शासकीय बाल गृह की लापरवाही से आधी रात को बालक गृह से भाग गया। बालक जिन्हें एनएसयूआई के युवाओं ने पद्मनापुर थाना पहुंचकर शासकीय बाल गृह को सौंपा। वहीं इस तरह के मामले में 3 साल पहले भी गंभीर आरोप लगे थे बाल गृह के अधिकारियों पर। दुर्ग के 5 बिल्डिंग स्थित अशासकीय बाल गृह में लगातार बड़ी लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है। बीती रात यहां से एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़का भाग निकला। जब वार्डन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके यहां सभी बच्चे मौजूद है, लेकिन जब एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बच्चों की फोटो दिखाई तो वार्डन के होश उड़ गए। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने वार्डन पर गैर जिम्मेदाराना कार्य करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले में एनएसयूआई दुर्ग शहर के अध्यक्ष वरुण केवल ताने ने बताया कि उन्हें बीती रात दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास एक बच्चा दिखा। उसकी उम्र लगभग 13 साल की है। बच्चे ने बताया कि वो शासकीय बाल गृह में रहता है और पढ़ाई करता है। केवल ताने का कहना है कि एक 12-13 साल का बच्चा रात को 2 बजे बाल गृह से भागकर स्टेशन में भटक रहा है और बाल गृह के जिम्मेदारों को कोई भनक तक नहीं है। एक छात्र है 13 साल का जो पढ़ाई करता है, शासकीय बाल गृह में रहता है, खालसा स्कूल के पीछे बाल गृह है, ये टोटल शासन चलाती है और शासन के लोग यहाँ इतने गैर जिम्मेदार हैं कि 12-13 साल का बच्चा इतनी रात में, रात के 2 बजे, अभी भी आप टाइम देख सकते हैं, इतनी रात में बच्चा गायब हो जा रहा है और इनको कुछ होश ही नहीं है। यहाँ आके जब हम सूचना दे रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से गायब है, तो उनका कहना ये है कि नहीं, सब बच्चे तो मौजूद हैं, सब बच्चे सोए हुए हैं, कोई बच्चा गायब नहीं है। फिर हम इनको दिखाते हैं कि ये बच्चा है, तो हाँ अरे आपको कहाँ मिला ये? तो इतने गैर जिम्मेदार, एक बच्चे की रात कुछ हादसा हो जाए, बालिक नहीं है वो, कुछ कुछ हो जाए, कोई किडनैप कर ले, तो कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? ये मांग है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मैं पूरी मांग करता हूँ और एकदम कड़ी जांच होनी चाहिए इसकी। ये अभी 12 साल का एक छोटा सा लड़का जो कि अपन को दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से जा रहा था, तो अपन पूछे उससे कि क्या हुआ क्या नहीं कर गए, उसने कुछ बताया नहीं। तो हमको शक के तौर पर अपन से बातचीत किए तो उसने अपने कुछ बताया नहीं। तो उसने अपन जब उसका बैग वैग चेक जो भी चेक किए तो उसके जेब से निकला शासकीय बाल गृह का जो लाइट, जो कि वो लेके मतलब बैग लेके जा रहा था। बोले क्या हुआ? तो कुछ बताया नहीं। तो हम लोग यहाँ लेके आए इनके पास, कहा कि जो इनका ऑफिस है पीछे कार्यालय, उसने कहा यहाँ का जो मेन जो अभी ऑफिस, यहाँ जो अभी वॉचमैन है जो भी है, उनसे बात की अपन। उनका कहना ये था कि हम लोग पूछे कि यहाँ भैया कितने लोग रहते, उनका कहना था हम लोग कि यहाँ 12 बच्चे। तो हम लोग बोले सर एक मिनट आप वापस चेक करो, वो बोले ओवर कॉन्फिडेंस, बोले हाँ 12 है, बोला एक मिनट चेक करो, तो भी 12, जबकि जो 12वां स्टूडेंट है हमारे साथ खड़ा था बाजू में, उनका कहना था कि वो 12वां, मत बोलते कैसे हो गया। अब उनको इतना केयरलेस इन लोग कि इनके भरोसे 12 बच्चे नहीं संभाल पा रहे, जो कि शासकीय गृह इन लोग जेल। वरुण केवल तानी और उसके साथियों ने जब इसकी सूचना पद्मनापुर पुलिस को दी तो वहां से एक पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और बच्चे को लेकर शासकीय बाल गृह दुर्ग पहुंचे। वहां पहुंचने पर यहां की अधीक्षिका मंजू शुक्ला ने कहा कि उनके यहां से कोई बच्चा नहीं भागा है, सभी बच्चे अपने अपने कमरे में हैं। लेकिन जब एनएसयूआई के लड़कों ने लड़के की फोटो दिखाई तो मंजू शुक्ला व बाकी स्टाफ हड़बड़ा गए। आनन फानन में बच्चे को बाल गृह में भेजा गया। इस बारे में जानकारी के लिए जब मंजू शुक्ला और उसकी महिला बाल विकास अधिकारी अजय शर्मा को कई बार फोन लगाया गया तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, और यहां तक कि बालक गृह की अधिकारी मंजू शुक्ला ने मीडिया को देखते ही अपने महिला कर्मचारी से गेट पर ताला जड़ दिया। आपको बताना चाहेंगे, शासकीय बाल गृह दुर्ग का विवादों से पुराना नाता रहा है। 3 साल पहले यहां से 4 बच्चे भागे थे, उन्हें चाइल्ड लाइन की टीम ने पकड़ा था। पूछताछ में बच्चों ने बताया है कि वहां की महिला बाल कल्याण अधिकारी उन्हें अश्लील वीडियो दिखाती थी और उनके साथ अश्लील हरकतें भी किया करती थी। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मामले में जांच टीम भी गठित की थी। बहरहाल अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस दिशा में किस तरह से जाँच करते हैं और मामले को संज्ञान में लेते हैं। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।